नमस्कार, मेरा नाम वैशाली। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आप क्या किस विषय में पूछा है, मतलब कहा है कि हर इंसान मुस्लिम कहके ही जन्म होता है। तो मेरा तो मानना है और सभी का यही कहना है कि जब बच्चा होता है तो उसका धर्म उसके माँ बाप के धर्म अनुसार होता है, तो ये कैसे होता है? बहन का सवाल है कि मैंने कहा मेरी तकरीर में कि हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है, तो बहन पूछ रही है कि बच्चे का धर्म अपने वालिदैन का धर्म होता है। वो बच्चा पैदा होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो दीनुल फित्र में पैदा होता है, मतलब वो ही कर रहा है जो उसका खालिक उसका ईश्वर उसका अल्लाह चाहता है। वो सांस ले रहा है उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह चाहता है उसका खालिक चाहता है, वो जी रहा है उस तरीके से वो फितरत में जी रहा है। उसके बाद वो अपने वालदेन के बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है। इसीलिए अगर कोई बच्चे पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसके ऊपर इसके बारे में रिसर्च किया गया था दो ट्राइब है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन एंड द कपाकू ट्राइब। ये दो ट्राइब 1950 में साइंटिस्ट इसके पास गए और जानने की कोशिश किए। ये दो ट्राइब इंसानियत के टच में नहीं था, कोई भी मॉडर्न इंसान इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं किया था, इनका कोई भी मॉडर्न ह्यूमन बींग से इन्फ्लुएंस नहीं था। जब रिसर्चर्स गए और तहकीक किए कि इनका जीने का तरीका कैसा है, तो जानने लगे कि वो एक खुदा में मानते, एक ईश्वर में मानते, उसकी इबादत करने के लिए सिजदा करते हैं और शिर्क नहीं करते। वो जानने तहकीक करने के बाद पता चला कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे, नाम से मुसलमान नहीं थे लेकिन जिंदगी के बसर करने का तरीका इस्लामिक था। तो इससे यह हमें पता चलता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसे आप अलायदा रखते, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ना वालदेन का ना बड़ों का ना टीचर का, वो बच्चा मुस्लिम जैसे जिएगा। मुसलमान मतलब अपनी ख्वाहिशें खुदा के अहकामात के मुताबिक बसर करना, अपनी जिंदगी बसर करना खुदा के मुताबिक। तो ये साइंटिफिक रिसर्च है, इसीलिए मैं कहता हूं हर इंसान जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है, उसके बाद उसके वालदेन उसे गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। हो सकता है कि बुत परस्ती करते, हो सकता है कि आग को पूजने के लिए कहेंगे। इसीलिए कोई गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट कहना गलत है, कन्वर्ट मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाना, रिवर्ट मतलब एक इंसान सही रास्ते पे था फिर गलत रास्ते पे जाता है फिर से सही रास्ते पे आता है, उसे कहते हैं रिवर्ट। हिंदी या उर्दू में कहूंगा मैं नौ मुस्लिम कहना गलत है, हिंदी में कहूंगा पलटा हुआ लौटा हुआ मुस्लिम। ये मेरे खुद के अल्फाज है, लौटा हुआ मुसलमान। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा बहन कि आपने इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर मैं रहती हूँ डोंगरी पे, मेरा फ्रेंड सर्कल भी ज्यादा मुस्लिम ही है और मैं ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे हूँ। माशाल्लाह, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जरूर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी नहीं, मैं यही जानती हूँ कि परमेश्वर ईश्वर अल्लाह और जो भी कुछ है वो सब एक ही है। जी हाँ, लेकिन आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है कि सही है? सर बुत परस्ती का अर्थ मुझे मालूम नहीं, मैं इंसानियत पे ज्यादा भरोसा करती हूँ इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब एक ही है। लेकिन इंसानियत पे भरोसा अगर करते हैं तो हमें हमारे ईश्वर की इबादत करना चाहिए कि गलत चीजों की? क्योंकि आपके वेद में लिखा है, जैसा मैंने फरमाया यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में और स्वेता स्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर का कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो आपकी हिंदू मजहब की किताबें कहते हैं कि बुत परस्ती गलत है, ईसाई मजहब की किताबें कहती बाइबल के बुत परस्ती गलत है, कुरान इस्लाम मजहब की किताब कहती है बुत परस्ती गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप बुत परस्ती में यकीन करते क्या? नहीं सर,
आप भूत बारे से तो जो बोल रहे उसको मेरा मीनिंग नहीं समझ रहा, खाली मुझे यही मालूम है कि सब जो ईश्वर अल्लाह जो भी कुछ है सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सही, ईश्वर अल्लाह एक है, लेकिन अगर आप ईश्वर को, अगर मिसाल के तौर पे ईश्वर को आप कुछ गलत साबित करते हैं और उसे ईश्वर कहते, गलत चीज को ईश्वर कहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहेगा कि ये टेबल ये चेयर ईश्वर है, आप मानेंगे? नहीं, वो ईश्वर नहीं है, लेकिन गलत चीज को ईश्वर कहना गलत है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल। तो ये मैं पूछता हूं कि जो चीज ईश्वर कहना के लायक नहीं है, जैसे आपके मजहबी किताब में कहा गया है नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्ष नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बुत परस्ती गलत है या सही है फिर? नहीं सर, वो गलत ही होगा। बिल्कुल सही। तो माशाल्लाह, तो आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी सही। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर एक है? ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। बिल्कुल सही। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के पैगंबर है? सर उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं वो मत प्रदर्शन नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसलिए मैं चाहूंगा कि खवातीन के शोबे से मैं मेरे अहलिया से फरमाऊंगा कि आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आपको अगर हिंदी आती है तो हिंदी में दीजिए, उर्दू आती तो उर्दू में, मराठी तो मराठी, अंग्रेजी में आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह इस किताब के जरिए आप हिदायत पाएंगे। और अगर कुछ भी उसमें मुश्किलात है तो आप जरूर डोंगरी पे रहते, हमारा इदारा भी डोंगरी पे, आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आ सकते और आपके जो भी शक या शुबह उसे दूर कर सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। शुक्रिया।